your way, 'cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. दोस्तों आज मैं लाया हूं आपके लिए बेस्ट लॉन्चर ऑफ 2019 का सेकेंड पार्ट, जिसमें आपको मिलेंगे टॉप 5 काफी एकदम मस्त वाले लॉन्चर जिन्हें आप यूज करके अपने डिवाइस को हाईली कस्टमाइज कर सकते हो। तो वो लॉन्चर कौन से हैं, जाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हो ट्रिकी बॉयज चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला लॉन्चर है वो है AP15, और AP15 मुझे काफी यूनिक टाइप का लॉन्चर लगा इसलिए क्योंकि इसमें आपको काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन काफी सिंपल लॉन्चर है और काफी यूनिक स्टाइल में। जैसे कि आप देख सकते हो कि सारे आपके ऐप्स जो भी आप यूज करते हो होम स्क्रीन पे कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे, और मतलब एकदम जो बड़े बड़े लेटर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ छोटे लेटर्स में देखने को मिल जाएंगे। आप जिन्हें भी ओपन करना चाहो यहाँ पे आप डायरेक्टली उसे ओपन कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे आप फाइल मैनेजर ओपन करना चाहो तो या फेसबुक, तो फेसबुक भी ओपन कर सकते हो। और उसके बाद से यहाँ पे अगर बात करें इस एप्लीकेशन की, तो आप इसमें कलर कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप किसी सिंगल ऐप के लिए कोई कलर देना चाहो, जैसे इंस्टाग्राम के लिए अगर आप कलर कुछ देना चाहो, तो जैसे इंस्टाग्राम ऐप पे आके हम कलर यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए कोई सा भी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और मतलब सारे ऐप्स के लिए आप अलग अलग कलर दे दोगे तो काफी मस्त वाला एकदम लुक मिलेगा। आप अलग अलग कस्टमाइजेशन कलर वाला कर सकते हो इसमें। तो एक तरह से देखा जाए तो सिंपल में काफी यूनिक लॉन्चर है, तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करना। अब आते हैं दूसरे लॉन्चर की ओर। तो दोस्तों अगर आप सैमसंग के ONE UI वाले लुक को काफी पसंद करते हो तो आप ये लॉन्चर ट्राई कर सकते हो, जिसका नाम है S10 लॉन्चर, और लिंक आपको सारे लॉन्चर का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें लॉन्चर में आपको एकदम काफी हद तक एकदम ONE UI वाला फील देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर इसके आइकन्स की बात करें तो आइकन्स आप देख सकते हो काफी ONE UI वाले, मतलब ONE UI का ही आइकन पैक आपको इसमें मिल जा रहा है। और इस तरीके से आप करके अपने सारे ऐप्स को एक्सेस कर सकते हो, जो काफी तगड़े एनिमेशन के साथ ओपन होता है। और इसमें आप देख सकते हो जितने भी ऐप्स हैं वो सारे आइकन्स यहाँ पे ONE UI वाले इसमें आपको देखने को मिल जा रहा है। और एनिमेशन जो इसके एक्सेस करने वाला है वो काफी मुझे मस्त लगा। और उसके बाद से इसमें आप काफी हद तक कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अगर आप 110 के सेटिंग में आओ तो इसमें आप डार्क मोड का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो आपको डार्क मोड वाला भी फील मिल जाएगा। आप लाइट मोड रखना चाहो तो लाइट में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कस्टमाइजेशन मिल जाता है। अगर आप ड्रावर में अपना कस्टमाइज करना चाहते हो वो भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो अगर आप ONE UI वाला फील पसंद करते हो या लेना चाहते हो अपने किसी भी डिवाइस में, चाहे वो सैमसंग का ओल्ड फोन हो या कोई सा भी डिवाइस हो, तो आप उसमें ONE UI वाला फील ले सकते हो। काफी मस्त वाला एकदम आपको लुक मिल जाएगा इस लॉन्चर को यूज करने के बाद से। अब आते हैं तीसरे लॉन्चर की ओर। तो जो तीसरा लॉन्चर है वो है कस्टमाइज पिक्सल लॉन्चर, और इसमें आपको प्योर एंड्रॉयड वाला लुक देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो जो एकदम पिक्सल वाले डिवाइसों में लॉन्चर आपको देखने को मिलता है, एकदम सेम एकदम प्योर एंड्रॉयड वाला लुक आपको देखने को मिल जाएगा, काफी सिंपल सा। और ऐसे आप देख सकते हो आप स्वाइप अप करके सारे ऐप्स को एक्सेस कर सकते हो, और एकदम आपको स्क्रीन पे भी काफी सिंपल सा एकदम लुक देखने को मिल जाएगा। और इसमें भी आप काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो, आइकन पैक चेंज करना चाहे वो कर सकते हो, या अगर आप इसके सेटिंग में आओ तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। थीम में आप डार्क थीम भी यूज कर सकते हो, जैसा आप मतलब अपने हिसाब से रखना चाहो वैसा इसका सेटअप कर सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए है जो काफी स्टॉक एंड्रॉयड के लुक को पसंद करते हैं, तो ये लॉन्चर वो उनके लिए काफी मतलब हेल्पफुल है, और एकदम एक तरह से देखा जाए तो काफी बढ़िया लुक देगा उनके डिवाइस में। अगर वो काफी स्टॉक एंड्रॉयड के लुक को पसंद करते हैं तो इस लॉन्चर को एक बार ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं चौथे लॉन्चर की ओर। तो जो चौथा लॉन्चर है वो काफी हाईली कस्टमाइजेबल लॉन्चर है, जिसका नाम है अल्फा हाइब्रिड लॉन्चर। और ये मतलब देखा जाए तो इसका जो लुक है एकदम हाईटेक वाला लुक आपको देखने को मिल जा रहा है, जिसमें आपको बहुत तरीके से एकदम हाईटेक वाली फील आएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का होम स्क्रीन देखने को मिलेगा, और नीचे से आप स्वाइप करके अपने सारे ऐप्स को, जो भी फेवरेट ऐप है उन्हें यहाँ पे रख सकते हो, और यहाँ पे फिर स्वाइप करके आप अपने कुछ सेटिंग्स यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। नीचे का लुक आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। साइड से आप ऐसे करके स्वाइप राइट करके आप जो आपके सारे ऐप्स हैं कुछ आर्क की तरह देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इन्हें आप इस तरीके का एनिमेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो काफी मस्त वाला लुक देता है। अगर आप किसी ऐप को यहाँ पे टैप किए रहते हो तो यहाँ पे साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, अनइंस्टॉल या एप्लीकेशन मैनेजर, गो टू प्ले स्टोर, ऐड टू होम स्क्रीन, लॉक ऐप, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जिस ऐप पे आप टैप किए रहोगे उससे रिलेटेड। और यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रीमियम थीम्स, यहाँ पे आप थीम भी काफी मस्त मस्त इसमें अप्लाई कर सकते हो, आपको बहुत सारे थीम्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी थीम्स चाहे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ये काफी कस्टमाइजेबल लॉन्चर है, और इसमें आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप हाईटेक
वाला फील या मतलब कुछ प्रीमियम टाइप का फील लेना चाहते हो लॉन्चर में, तो इस लॉन्चर को आप एक बार जरूर ट्राई करना, काफी मस्त वाला लुक देगा। अब आते हैं पांचवें लॉन्चर की ओर। तो जो अगला लॉन्चर है वो काफी सिंपल लोगों के लिए है जो ज्यादा कस्टमाइजेशन पसंद नहीं करते, काफी सिंपल सा अपना होम स्क्रीन या अपने लॉन्चर को रखना चाहते हैं, तो ये लॉन्चर उनके लिए काफी मतलब मस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें इस तरीके का कुछ होम स्क्रीन पे आपको आपके फेवरेट ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। स्वाइप राइट करोगे तो आपको सारे ऐप आपके देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप वहां से, अगर आप जो भी आपका फेवरेट ऐप है उन्हें सेलेक्ट करके आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड हो गया। उसके बाद से स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाएंगे जिसमें आप यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहो उसमें आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। और उसके बाद से अगर आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहो तो आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। मतलब यही बस एक कलर वाला कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बात करें कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हो कि टेक्स्ट का कलर या बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो ऐप जो ये लॉन्चर है कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो कहा जाए तो काफ़ी सिंपल सा लॉन्चर है, अगर आप ज़्यादा कस्टमाइजेशन पसंद नहीं करते हो तो इस लॉन्चर को आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी मस्त वाला और एकदम सिंपल वाला आपको लुक देगा। तो ये थे 5 ऑसम एंड कूल लॉन्चर, और आई होप ये लॉन्चर्स आपको पसंद आए होंगे, या पांचों लॉन्चर्स में से जो भी लॉन्चर आपको पसंद आया हो आप एक बार उन्हें जरूर ट्राई करना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कस्टमाइजेशन का काफ़ी शौक रखते हैं अपने फोन में, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले नए वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, सी यू सून।